नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, जब कभी घर बनाने का जब प्लानिंग चलता है दोस्तों, तो एक चीज़ सभी के मन में आता है कि आखिरकार हम अपने घर का हाइट कितना रखें दोस्तों, ताकि आगे चल करके कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हमें ना हो। दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूँ, वो एक कहावत है ना कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। जब दोस्तों सामने में काम हो रहा है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको मेज़रमेंट करके दिखा देता हूँ कि आखिरकार इस घर की हाइट कितनी रखी गई है। दोस्तों डोर लेवल से ऊपर की अगर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3 फीट का हाइट फ्लोर लेवल तक रखा गया है। और आप यकीन मानिए दोस्तों, उसके ऊपर हमें फ्लोर बीम भी देना है, ठीक है, उसको भी हम काउंट करेंगे। लिंटल बीम के नीचे की अगर हाइट देखा जाए दोस्तों, तो कोई 6.5 फीट रखते हैं, लेकिन दोस्तों इस केस में ये हाइट जो है वो 7 फीट रखी गई है, और यही अच्छा एक स्टैंडर्ड हाइट माना जाता है। तो दोस्तों 7 फीट हमें लिंटल लेवल तक हो गया, और लिंटल लेवल के ऊपर दोस्तों 3 फीट हमने और ब्रिक वर्क करी, तो दोस्तों 7 और 3 मिल के हो जाते हैं 10 फीट। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, फ्लोर बीम को अगर मिला देते हैं, तो आपको लगभग जो रफली जो दोस्तों डाटा आता है, वो आता है 10.5 फीट का। तो जो आपका छत का जो स्लैब रहेगा दोस्तों, वो आपके नीचे का जो फर्श है, उससे दोस्तों लगभग 10.5 फीट के हाइट पे रहेगा। कहने का मतलब है, इस घर की अगर हाइट की बात कर लेते हैं, तो उसको काउंट किया जाएगा 10.5 फीट। और दोस्तों ये 10.5 फीट आजकल की मॉडर्न एरा की अगर बात कर लेते हैं, तो 9 फीट से घर का हाइट स्टार्ट हो रहा है। 9 फीट, 9.5 फीट, 10 फीट, 10.5 फीट, इस तरह से दोस्तों हाइट हो रहा है। जबकि इस घर की अगर पर्सनली बात किया जाए, तो इसका दोस्तों 10.5 फीट रखा गया है, जो कि आगे चल करके कोई भी दिक्कत इस घर में नहीं होने वाला है। घर का हाइट थोड़ा सा कम रहता है तब दिक्कत आती है, ज़्यादा रहने से कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं, आपको अंदाज़ा मिल गया हो गया। धन्यवाद।